स्वीकार करो। कोई भी लड़ाई जीतने के लिए सबसे आवश्यक है अनुशासन। मुझे अपनी गलती का पता चल गया है, अब से मैं गुरुदेव की हर बात मानूंगा। इसके बाद कई साल गुरुकुल में रहकर चारों भाइयों ने विज्ञान, भूगोल, खगोल विद्या, राजनीति शास्त्र, योग इत्यादि विषयों में शिक्षा ली। राम, आज तुम लोगों की शिक्षा संपन्न हुई, अब तुम और तुम्हारे भाई अयोध्या का राज्य संभालने के लिए तैयार हो। वहाँ तुम्हारा नया जीवन शुरू होगा। एक दिन राजा दशरथ के दरबार में विख्यात ऋषि विश्वामित्र आए। किंतु वे अत्यधिक क्रोधी स्वभाव के थे और उनके क्रोध से सब भयभीत थे। प्रणाम मुनिवर, अहो भाग्य हमारे कि आप हमारे यहाँ पधारे। बताइए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? राजन, हम यहाँ एक अत्यंत आवश्यक कार्य से पधारे। हम अपने आश्रम में एक बहुत बड़ा यज्ञ करने जा रहे हैं, जिसमें कई ऋषि मुनि भाग लेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या है। ताड़का नाम की एक राक्षसी और उसके बेटे मारीच और सुबाक अत्यंत दुष्ट एवं शक्तिशाली दैत्य हैं। वे अपनी राक्षसों की टोली के साथ हमारे हवन को भंग कर देते हैं। हवन की अग्नि में हड्डियां, मांस और रक्त गिराकर हवन को अपवित्र कर देते हैं। बड़े बड़े वीर और ताकतवर लोग उनसे कांपते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि इन राक्षसों का आतंक मिटाने के लिए आप अपने पुत्र राम को हमारे साथ वन में भेजिए। ये कार्य तो राम जैसा योग्य बालक ही कर सकता है। गुरुदेव, ये आपने हमें किस दुविधा में डाल दिया? अपने आँखों के तारे राम को इस प्रकार कैसे भेज सकते हैं? हम स्वयं आपके साथ अपनी पूरी सेना के साथ चलने को तैयार हैं। नहीं राजन, हमें कुछ नहीं सुनना। अपनी प्रजा की रक्षा करना एक राजा का कर्तव्य होता है और आप अपने कर्तव्य से पीछे हट रहे हैं। क्षमा करें पिताश्री, परंतु गुरु विश्वामित्र ठीक कह रहे हैं। अपनी प्रजा की रक्षा करना एक राजा का कर्तव्य होता है और मैं अपना कर्तव्य निभाने को तैयार हूँ। आप मेरी बिल्कुल चिंता ना करें। जैसा तुम कहो राम। पिताश्री, बचपन से आज तक मैं एक दिन भी भैया के बिना नहीं रहा हूँ। अगर आप आज्ञा दे तो मैं भी भैया के साथ जाना चाहता हूँ। पिताश्री, तब तो हम भी साथ जाएंगे। बालको, अगर मैं अपने चारों पुत्रों को वन में भेज दूंगा तो यहाँ राज्य का भार कौन संभालेगा? राम और लक्ष्मण का जाना ही ठीक रहेगा। बालको, जाने की तैयारी करो। ताड़का एक मायावी नरभक्षी राक्षसी है, भारी भरकम शरीर। किंतु ये आवश्यक नहीं है कि ताड़का तुम्हें इस रूप में दिखे। ताड़का कोई भी रूप, कोई भी आकार धारण कर सकती है, इसलिए उसे हराना अत्यधिक कठिन कार्य है। तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। ऋषिवर, क्या हम लोग ऐसे भयानक जीव को मार पाएंगे? राम, मुझे तुम्हारे और लक्ष्मण के पराक्रम पर पूरा भरोसा है। तुम्हें अपनी असीमित शक्तियों का आभास नहीं। बालकों, तुम लोग यहाँ कुछ देर विश्राम करो। हम यहाँ बैठकर थोड़ी देर ध्यान लगाएंगे, उसके पश्चात हम आगे बढ़ेंगे। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ये
इतनी अच्छी सुगंध कहाँ से आ ली है? ना अच्छा संगीत, ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ अवश्य किसी अप्सरा का वास होगा। चलो चलकर देखते हैं, चलो। इतनी सुहानी जगह है। ये तो अवश्य किसी अप्सरा का घर ही हो सकता है। मैं अपने आप को लोक नहीं पा रहा हूँ। ऐसा प्रतीत होता है कि कोई मुझे अपनी ओर खींच रहा है। चलो चलकर देखते हैं। इस घने जंगल में बाकी लोगों को ढूंढना तो लगभग असंभव है। इतने घने जंगल में एक स्त्री, क्या पता ये कुछ सहायता करे। सुनिए जी, सुनिए सुनिए, क्या आपने यहाँ किसी ऋषि मुनि एवं किसी लड़के को देखा? मेरे साथ चलिए, मैं आपको आपके भाई के पास लेकर चलती हूँ। गुरुजी क्षमा करें, किंतु मुझे लगता है कि हमें औरों को ढूंढने जाना चाहिए। मार डालेगी। तुम मेरे दिए मंत्रों का जाप करो, तारका पर आक्रमण करो। राम, डरो मत राम, मेरे मंत्रों में इतनी शक्ति है कि तारका तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। हमें इस राक्षसी को किसी भी तरह गंगा की ओर ले जाना होगा। जल्दी चलो, बस सूरज डूबने ही वाला है। वो लोग यहाँ बहुत तेजी से आ रहे हैं, हम लोग गंगा तक नहीं पहुँच पाएंगे। भगवान कुछ कीजिए, इतने नन्हे बालक कैसे इस राक्षसी का सामना करेंगे? देखने के लिए धन्यवाद। नए एपिसोड्स देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।